मदीना मैं भी जा सकता हूँ, लेकिन मसला ये है कहाँ से लाऊंगा हिम्मत उन्हें सूरत दिखाने की। अरे लिपट जाऊंगा कदमों से तो सीने से लगा लेंगे, क्योंकि मेरे आका को आदत ही नहीं ठोकर लगाने की। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर आप अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन को ऑन पे प्रेस कर दे। बख्शिश का मेरे दोस्तों सामान हो गया, जब से दरे नबी का मैं मेहमान हो गया। पढ़ने लगा दरूद मैं जब से हुजूर पर, पढ़ने लगा दरूद मैं जब से हुजूर पर, हर काम मेरे वास्ते आसान हो गया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम साथियों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं जैसे भी होंगे ठीक होंगे। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, अल्लाह सुबहान व तआला, अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको ऐसे ही खुश रखे, शादोआबाद रखे, दीन और दुनिया की दौलत से मालामाल रखे, और तमाम उम्मत मुस्लिमा को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन या रब्बुल आलमीन। आज शिहाब भाई की बात करेंगे कि शिहाब भाई इस वक्त कहां पर मौजूद है और शिहाब भाई ने कितने किलोमीटर का सफर तय किया है। जी हाँ प्यारे दोस्तों, आज है 28 फरवरी 2023 और मैं अपडेट आपको दे रहा हूं 27 फरवरी 2022 की, यानी कल शिहाब भाई ने कितने किलोमीटर सफर तय किया था और शिहाब भाई कहां पर रेस्ट किए थे और अभी इराक बॉर्डर कितनी दूरी पर बचा है और ईरान में शिहाब भाई ने कितने किलोमीटर का सफर तय किया है, ये तमामी बातें इंशाल्लाह इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। और एक बात आपको बता दूं कि जो अभी सोशल मीडिया पे बहुत तेजी के साथ गर्दिश कर रहा है, वो बात भी आपको मैं इंशाल्लाह इस वीडियो में शेयर करूंगा। जी हां हजरात, जो आपने सुना होगा बहुत से यूट्यूबर ऐसी हवा चला रहे हैं, बहुत से यूट्यूबर ऐसी फेक न्यूज चला रहे हैं कि शिहाब भाई के पास में ईरान का वीजा तो है लेकिन इराक का वीजा नहीं है, इराक का वीजा नहीं है और कुवैत का वीजा नहीं है। तो मैं ये सारी बातें पे इंशाल्लाह रोशनी डालूंगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो में बने रहिए और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए प्यारे दोस्तों, प्यारे अजीज दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को करते हैं शुरू। तो आज शिहाब भाई की जो 27 फरवरी की लोकेशन थी, तो शिहाब भाई ने कल भी 45 किलोमीटर का सफर अल्हम्दुलिल्लाह तय किया। जी हाँ प्यारे दोस्तों, शिहाब भाई ने 45 किलोमीटर का सफर तय किया और जो ये स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं, ये ईरानी भाइयों के साथ में रुककर सेल्फी वगैरह लिया और उनके साथ फोटो खींचे और उनके साथ में ही शिहाब भाई ने रेस्ट किया था। जी हाँ हजरात, ये शिहाब भाई की बहुत खुशी का मंजर है, जो शिहाब भाई बहुत खुश नजर आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह ईरान के अंदर। और शिहाब भाई ने अभी तक का शिहाब भाई ने ईरान के अंदर काफी सफर बहुत तेजी से किया है। जी हाँ, पर डे शिहाब भाई 45 से 50 किलोमीटर कमोबेश सफर करते रह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और शिहाब भाई का जो इराक का सफर बाकी है, जो इराक के अंदर एंट्री होंगे शिहाब भाई, तो अभी तक का शिहाब भाई का सिर्फ 300 से कम समथिंग सफर बाकी है जो इराक में शिहाब भाई इंटर हो जाएंगे। जी हाँ प्यारे दोस्तों, ये आपकी दुआओं का सिला है कि जो आप शिहाब भाई के लिए दुआ करते हैं तो शिहाब भाई का सफर आसान हो रहा है और इंशाल्लाह शिहाब भाई का सफर आसान होगा, जो इराक के अंदर भी ऐसी ही सफर चलेगा और कुवैत में भी, और इंशाल्लाह शिहाब भाई मक्का शरीफ खैर आफियत से पहुंच जाएंगे और हज के फरीजे के अंजाम से पहले शिहाब भाई मक्का शरीफ पहुंच जाएंगे। ये अल्लाह से दुआ करते हैं आप लोग, और आपकी दुआ का सिला है जो शिहाब भाई खैर आफियत से अल्हम्दुलिल्लाह, और शिहाब भाई का सफर जारी और सारी है। जी हजरात, अब आते हैं वो टॉपिक के ऊपर कि जो शिहाब भाई का वीजा कुवैत का, इराक का है या नहीं है। तो जी हजरात, जो शिहाब भाई ईरान में जब इंटर हुए, जब पाकिस्तान में जब इंटर हुए थे, तो पाकिस्तान में सिर्फ 72 घंटों का वीजा दिया था, ये आपको पता है और हमने भी आपको बता चुके हैं। जो 72 घंटों में वीजा दिया, फिर लाहौर एयरपोर्ट से शिहाब भाई तेहरान एयरपोर्ट पहुंचे ईरान के अंदर। तो जब शिहाब भाई ईरान में पहुंचे, तो अगर वीजा नहीं होता तो शिहाब भाई इतने दिन, आज जो शिहाब भाई का 21वां दिन है ईरान के अंदर चलने का, तो शिहाब भाई इतने टाइम तक ईरान में नहीं रुकते, यानी ईरान का वीजा उनके पास ऑलरेडी है और शिहाब भाई अब इराक में इंटर करेंगे तो ये वीजा भी शिहाब भाई के पास अल्हम्दुलिल्लाह है। यानी शिहाब भाई अब ज्यादा से ज्यादा 5 से 6 दिन के अंदर आप इंशाल्लाह देखेंगे कि शिहाब भाई सलामचा बॉर्डर से होते हुए इंटर इराक के अंदर इंटर हो जाएंगे। जी हाँ हजरात, बहुत बड़ी अपडेट है और बहुत खुशी की खबर है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो ये न्यूज फैला रहे हैं, फेक न्यूज चला रहे हैं कि शिहाब भाई के पास में इराक का वीजा नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनको बता दूं कि शिहाब भाई के पास में इराक का वीजा भी है और कुवैत का वीजा भी है और सऊदी अरब का तो वीजा है ही है उनके पास।
जी हाँ हजरात, बस आपकी दुआओं का साथ होना इंशाल्लाह के श्याप भाई का सफर आसान हो और खैर आफियत से श्याप भाई मक्का शरीफ पहुंच जाए और अपने हज का फरीजा अंजाम दे। जी हाँ हजरात, दुआ करते रहिए। और ये वीडियो आपको कैसा लगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए कि जो लोगों को मालूमात नहीं है उन तक ये बात पहुंच सके कि श्याप भाई का वीजा अल्हम्दुलिल्लाह है। श्याप भाई का वीजा इराक का भी है, कुवैत का भी है और सऊदी अरब का भी है। अब अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से कोई रुकावट नहीं आने वाली है। ये अल्लाह तबारक व तआला से हम दुआ करते हैं कि ऐसा ना हो कि श्याप भाई के पास वीजा ना हो, लेकिन अल्लाह की जात से उम्मीद है कि श्याप भाई सब तैयारी से निकले हैं अल्हम्दुलिल्लाह और श्याप भाई के पास में तमामी कंट्री के वीजे है। जी हाँ हजरात, तो ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो के अंदर, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए और अल्लाह को हमेशा अपने दिल में बसाए रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।